राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन कर लौट रहे 5 युवक ने रास्ते में शराब पी और उनमें से एक ने स्कॉर्पियो के चालक से चाबी छीन कर उसे जबरन पीछे की सीट पर बैठा दिया। इसके बाद बारिश के बीच आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर स्कॉर्पियो को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाया और इसी रफ्तार की वजह से बागरमाऊ के पास स्कॉर्पियो और आगे चल रहे कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर में गाड़ी कई बार पलटी। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 6 लोगों में से 5 की मौत हो गई जबकि पीछे की सीट पर बैठे चालक घायल हुआ। अनुमान है कि कार चला रहे युवक को झपकी आने से हादसा हुआ। कार के एयरबैग खुल गए थे लेकिन आगे बैठे लोगों की जान नहीं बच सकी। तेज वर्षा के बीच स्कॉर्पियो आगरा से लखनऊ की ओर जा रही थी। कई बार पलटने की वजह से कार चकनाचूर हो गई। पुलिस 10 मिनट बाद पहुंची। क्रेन की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में वैभव पांडे, अमित तिवारी, मनोज सिंह, अरविंद सिंह व महेंद्र सिंह की मौत हो गई। वहीं अयोध्या निवासी आशीष कुमार का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आशीष ने बताया कि वह कार चालक है। रास्ते में सभी ने शराब पी। उनसे एक युवक महेंद्र सिंह ने उनसे कार की चाबी छीन ली और गाली गलौज कर उन्हें पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। वह कार को 120 किमी प्रति घंटे से अधिक रफ्तार में चला रहा था। कंटेनर में कार पीछे से टकराई और अनियंत्रित हो गई।